अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि ठीक होंगे। अल्लाह के फजल व करम से हम भी ठीक हैं। जहाँ कहीं भी हैं, खुश रहें, आबाद रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो हमने 5 दिन हो गए, 4 दिन हो गए हमने वीडियो नहीं बनाई। हमारे लिए, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मसला बन गया था, इसलिए हम वीडियो नहीं बना सके। क्योंकि मेरे मामू थे, चाचू भी थे, हमारे 2-3 रिश्ते थे। तो ये शहजाद भाई का घर है और ये मेरा घर है पीछे। तो शहजाद भाई के अबू जो है ना, दुनिया से चले गए हैं, वफात पा गए हैं। तो उसका बहुत ज़्यादा हमें अफसोस था। तो बहुत ज़्यादा हम परेशान थे, सब बच्चे, हम सब, पूरी फैमिलियाँ हमारी जो भी हैं, मेरी बहन भाई सब जो हैं, तो सब परेशान थे। क्योंकि छोटे छोटे उसके बच्चे हैं, उसका करने वाला एक अब शहजाद ही है। उसके अबू बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा हम सब का जो है ना, बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे वो। अल्लाह ताला उसको जन्नत अल-फिरदौस नसीब करे। तो उसके लिए सब बहन भाइयों ने दुआ करनी है, मगफरत की जी। तो हमें भी बहुत ज़्यादा अफसोस है। अल्लाह पाक हर बच्चों पर माँ बाप का साया रखे, क्योंकि माँ बाप के साये के बगैर कुछ भी नहीं होता बच्चों पर। क्योंकि अब शहजाद को पता है या उसकी अम्मी को पता है हम कैसे ज़िंदगी गुजारेंगे। तो मैं जब जाती हूँ फूफो के घर, तो उनके घर हमें इतना अफसोस होता है कि हम घर भी नहीं बैठ सकते। 4 दिन हो गए, हम इतने परेशान हैं। तो अल्लाह पाक हर किसी पर करम करे। हम उस फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि हमारी फैमिली जो है बहुत ज़्यादा जो है ना परेशान है, उसे अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ो मान में रखे और उनको सब्र दे। क्योंकि उनके लिए सब्र, बस सब्र ही करना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि उनको अब सब्र ही अल्लाह पाक दे। बस हम यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको सब समझा रहे हैं कि आप जो हो गया अल्लाह की तरफ से होता है। क्योंकि आप जो है ना, आगे भी आपने भी ज़िंदगी गुजारनी है। कहते हैं कि हमारे जहन से अभी, जहन से तो अभी ज़िंदगी में भी नहीं जाएगा वो, क्योंकि वो बहुत अच्छा इंसान था हमारे साथ। कभी भी हमने उसे बुलाया, हम उसके घर में गए, कोई हम बीमार हो गए या कुछ भी हमारे साथ मसला बना तो हम उसके घर में गए। तो मैं जाती थी हर वक्त, आती जाती रहती थी फूफो के घर। मेरी फूफो भी बहुत अच्छी है, शहजाद भाई भी बहुत अच्छे हैं, और एक डॉक्टर था, उससे वो मैदे की दवाई मिलती थी तो वही लेने जाता था। तो हम उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करते हैं। जुम्मे वाले दिन वो फोत हुए हैं सुबह, तो 6 बजे उसका नमाज नाजा था शाम को। तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम सबको अल्लाह पाक बस सब्र दे, और आप सब बहन भाइयों ने उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको भी सब्र दे। तो अभी यही वीडियो बना रहे थे हम, बस मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।